नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजीडी न्यूज चैनल और मैं हूं आरती सिंह। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां पूरे सूबे में दहेज मुक्त समाज बनाने के लिए लगातार मुहिम चला रहे हैं, वहीं चंदवा में श्री लक्ष्मी नारायण महायज्ञ में मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए भाषण तथा जीएस स्वामी के विचारों से प्रभावित होकर हरेंद्र सिंह ने दुल्हन पक्ष को दहेज की रकम लौटा दी और बगैर दहेज लिए शादी करने को तैयार हो गए। आपको बता दें कि हरेंद्र सिंह आरा शहर स्थित अनाई ठेकता नगर मोहल्ले के रहने वाले हैं। वह जिलाधिकारी संजीव कुमार ने हरेंद्र सिंह के कार्य की सराहना की और अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में प्रशस्ति पत्र एवं शॉल देकर सम्मानित किया। मूल रूप से जगदीशपुर प्रखंड के बरनाव गांव के रहने वाले हरेंद्र सिंह ने अपने छोटे बेटे प्रेम रंजन सिंह उर्फ छोटू की शादी कोयर प्रखंड के जमालपुर के प्रमोद सिंह की बेटी अनुराधा उर्फ अनु से तय किया था। लड़की का परिवार रांची में रहता है। शादी तय होने के बाद लड़की वालों ने वर पक्ष को बगैर मांगे 4 लाख रुपए दिए थे। लड़के के घर वालों ने बताया कि मुख्यमंत्री के दहेज के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान को बल देने के लिए बगैर दहेज लिए शादी करने का पूरे परिवार ने फैसला किया। इसके बाद लड़की वालों के 4 लाख रुपए लौटा दिए गए। दूल्हे के बड़े भाई प्रॉपर्टी डीलर राजीव रंजन सिंह ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दहेज के खिलाफ अभियान का जो संकल्प दिलाया है उसके बाद पूरे परिवार ने दहेज की राशि वापस लौटाने का फैसला लिया। दूल्हा प्रेम रंजन सिंह आईटी डिप्लोमा कोर्स करने के बाद इलेक्ट्रीशियन की दुकान चलाते हैं। वहीं दुल्हन अनुराधा ने स्नातक तक पढ़ाई की है। दूल्हे के पिता हरेंद्र सिंह ने बताया कि जीआर स्वामी जी महाराज के नेतृत्व में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दहेज के खिलाफ अभियान का जो संकल्प दिलाया उसके बाद पूरे परिवार ने दहेज की राशि लौटाने का फैसला लिया। जागरूक परिवार ने बताया कि इसकी जानकारी जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही तब फोन कर मंगल कामना की, साथ ही इस फैसले को सराहते हुए बधाइयां व धन्यवाद दिया। आज इसकी जानकारी जैसे ही अगियांव विधायक प्रभुनाथ राम को मिली तत्काल जागरूक परिवार से मिलकर दूल्हे व दूल्हे के पिता को बधाई व धन्यवाद दिया। साथ ही दूल्हे को बुक्के देकर व दूल्हे के पिता को अंग वस्त्र प्रदान कर सम्मानित किया। बहरहाल मामला चाहे जो हो लेकिन जिस तरह यह परिवार ने यह फैसला लिया है वह काबिले तारीफ है। वहीं परिवार के लोगों की हार्दिक इच्छा है कि मुख्यमंत्री इस शादी समारोह में शिरकत करे ताकि इसे देख अन्य लोगों में जागरूकता बढ़ेगी। हार्दिक इच्छा दे दी, मेरी इच्छा से नहीं, आप हटिए यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि जान सर आप बहुत स्वागत जो भी बात करते हैं, आपने कहा नहीं, हमने तो पहले पूछा था कि अजय जी गांव पूछवा नहीं। आप लोग जान ही रहे हैं, उन्होंने जो कार्य किया है वो बहुत ही अनुकरणीय एवं सराहनीय है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दहेज प्रथा पर आघात करना ये सरकार की भी प्रायोरिटी में रहा है कि हम लोग अपने राज्य को दहेज प्रथा से मुक्त करना चाहते हैं और उसके लिए सभी लोगों ने संकल्प भी लिया है। हम लोगों ने भी संकल्प लिया है, जितने पदाधिकारी हैं उन्होंने भी संकल्प किया। उस संकल्प से प्रभावित होकर माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो संकल्प लिया है उनसे प्रभावित होकर ये जीएन स्वामी जी महाराज के शिष्य भी हैं। तो जब माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ विजिट किए थे तो उन्होंने ये बात कही थी और जीआर स्वामी जी महाराज ने भी इस बारे में बात कही। उससे प्रभावित होकर इन्होंने मतलब इनके इच्छा के विरुद्ध जो दहेज ले लिया गया था चुपचाप, मतलब जो इनको पता भी नहीं था। और जब इन्होंने ये बात एक तरह से जब जीआर स्वामी जी महाराज की बातें सुनी या फिर माननीय मुख्यमंत्री जी की बातें सुनी उसके बाद इन्होंने खुद ये निश्चय किया कि नहीं, इस तरह के प्रथा का हमें विरोध करना है। और उसके लिए इन्होंने सिर्फ बातों से नहीं किया, हमने ये किया, बल्कि कार्य करके दिखाया, त्याग किया है इन्होंने कि जो दहेज मिला उसको उन्होंने स्वेच्छापूर्वक लौटाया और बताया कि ये गलत है। तो ये समाज के लिए, हमारे समाज के लिए जो ये सीख देगी,
यह एक मिसाल कायम करेगी और ऐसे व्यक्तियों को हमें सम्मानित करना चाहिए, सम्मान करने के लायक है। इससे जिले के अन्य लोगों को भी ये इससे बहुत ही अनुकरण करने का मौका मिलेगा, ऐसी चीजों को डुप्लीकेट करने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए हम लोग यहाँ से जिला ये जिला प्रशासन की ओर से और राज्य सरकार की ओर से भी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री को, पूरे जिला वासियों को और सबको मैं बधाई देता हूँ और इस काम में सबका सहयोग चाहता हूँ कि वो फॉलो करें और समाज को इस से भी। इसके बाद सर मेरी मेल भी और छोड़ दें छोटे छोटे स्तरों पर, आप ये लोग आपसे पूछेंगे आप। अरे भाई मैं पहले से ही सदाचारी हूँ, दुराचारी नहीं, दहेज लेना एक दुराचार और इसके मैं घोर विरोधी हूँ। साथ ही साथ सरकार के जब कानून बन गया और मैं गवर्नमेंट बनी हूँ, मैं हमेशा बोलता हूँ सरकार का ओबे करता हूँ, सरकार का नमक खाता हूँ, अब मैं सरकार का पेंशन ले रहा हूँ तो मैं क्यों लूँ। और उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा जो किया 4 तारीख को संविधान में, हम सुनते थे प्रवचन को और हम तो पंजाब गए थे गुरु आश्रम पर बोला था, लेकिन अपने बेटे को फोन कर कहा पैसा लौटा दो, 10 तारीख को लौटाए, अपनी मीडिया में जाने का सवाल नहीं था, अपने मित्रों से कहा और मित्रों ने 4 तारीख से प्रभात भवन में बात करी, तो हमारे अनुपस्थिति में हमारे परिवार का फोटोग्राफी हुआ, बात आ गए तब कांवरा वासियों ने कहा कि का सर बरनाव को नाम ताज उत्तर कर दिया, कांवरा को बुला गया, तब प्रशांत कुमार से हमने कहा भाई कांवरा के लोगों की भावना भी होगी। तो यही बात जो अभी दस पहले सुबह तक हत्या हो रही है, मोहम्मद का ये कितनी कुरीतियाँ हैं, भ्रूण हत्या हो रही है, तो अब कहने लगे अब तो कुछ समझदार है सर। ये सामाजिक विडम्बना है, अब यह मानसिक विडम्बना होती जा रही है, आपने प्रतिनिधि काम किया है, आप समाज को जागरूक करने के लिए क्या करना चाहेंगे सर? समाज कर्मों से जागरूक होती है, कर्तव्य बकासन से नहीं। मैं भाषण दूं नहीं लूं, मैं नहीं दूं, क्योंकि बड़ा ही नंबर के लोगों के लिए भी अनुकरणीय है। माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो दहेज प्रथा के विरोध में जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है और ये सरकार की नीति रही है कि हम समाज की जो कुरीतियाँ हैं इसको समाज से दूर करेंगे, तो उसमें इन्होंने जो पहल की है वह सभी के लिए यह अनुकरण का विषय है। सभी लोग ऐसे व्यक्तित्व को सम्मानित करें, सभी इसको रेप्लीकेट करें अपने जीवन में, तो हमारे समाज में सुधार आ सकता है। लोगों को कहना क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जिस तरह हरेंद्र सिंह जी ने जो त्याग किया है, जो भावना दिखाई है, वैसी भावना जिले के सभी लोग दिखाने लगे तो हमारे समाज से अपने आप कुरीतियाँ खत्म हो जाएंगी। जिला का नाम रोशन हुआ है, बिल्कुल जिला का नाम रोशन हुआ है, उसके लिए हम इन्हें धन्यवाद देते हैं। हम इन्हें इसीलिए हम लोग इन्हें सम्मानित भी कर रहे हैं। कुछ समितियाँ हैं जिला स्तर पर, कुछ समिति होती है जैसे विकलांग वृद्ध जन भरण पोषण समिति, या फिर जिले जिले में जो जेल होते हैं तो जेल में जो कैदी होते हैं उनको उनके उनको बाहर से देखने के लिए कुछ लोग लिए जाते हैं, तो उन समितियों में हम लोगों ने स्थान दिया है। हम लोग इनका जो फीडबैक है, शिक्षा के क्षेत्र में भी इनका फीडबैक लेंगे, इनके कुछ अच्छे विचार हैं, उन विचारों को हम लोग चाहेंगे कि उसको रेप्लीकेट करें जिले में।